शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो कि कई फिल्मी लव स्टोरी से भी ज्यादा रोमांटिक है। ये तो सब जानते हैं कि बॉलीवुड में जब भी कोई रियल लव स्टोरी होती है और उसका क्रिकेट से कोई लेना देना होता है तो फैंस उसके पीछे काफी ज्यादा पागल हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही है नवाब मंसूर अली खान पटौदी और एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की लव स्टोरी। शर्मिला टैगोर ने भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मंसूर अली खान पटौदी से 27 दिसंबर 1968 के दिन शादी कर ली थी। शादी करने के बाद इन दोनों का प्यार जिंदगी भर के लिए बंद गया और उन्होंने अपनी लव स्टोरी से पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि मशहूर और ग्लैमरस जिंदगी जीने के बाद भी इन दोनों का प्यार बिल्कुल सच्चा था। दोनों की प्रेम कहानी से जुड़े वैसे तो कई बहुत दिलचस्प किस्से हैं और कुछ ऐसे ही दिलचस्प था उनका प्यार। चाहे वो अब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का कपल हो या फिर अथिया शेट्टी का केएल राहुल के साथ, ये बात हम सब जानते हैं कि फैंस को क्रिकेट और बॉलीवुड का मिलन हमेशा ही काफी ज्यादा पसंद आया है। मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर मानिए इसके ट्रेंड सेटर थे। इन्होंने अपनी आइकॉनिक कपल के साथ पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा क्रेज दे दिया जो कि हर कोई याद रखने वाला था। मंसूर और शर्मिला टैगोर की मुलाकात एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। शुरुआत में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के बंधन में बंध जाएंगे, क्योंकि जब वो दोनों मिले थे तो शर्मिला टैगोर अपने करियर में सबसे ऊंचाई पर थी। जी हाँ, वो बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस में से एक थी। वही दूसरी ओर मंसूर भी कोई कम नहीं थे। नवाब मंसूर अली खान एकदम दमदार एक्टर थे। वो अपनी गेम के सहारे पूरी दुनिया का दिल जीत ही चुके थे और हर कोई जानता था कि मंसूर आगे जाकर भी और ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। दोनों ही अपने फील्ड में शानदार काम कर रहे थे और दोनों ही अपने करियर की ऊंचाई पर थे। इसी वजह से शर्मिला टैगोर मंसूर की बहुत ज्यादा बड़ी फैन थी। उन्होंने मंसूर के कई मैच भी देखे थे और वो काफी समय से मंसूर के क्रिकेट की दीवानी थी। नवाब पटौदी पहली नजर में ही शर्मिला पर अपना दिल हार बैठ गए थे। उन्होंने एक मुलाकात से ही ये महसूस कर लिया कि शर्मिला वाकई में वही लड़की है जो कि बनी है उन्हीं के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने इस एक्ट्रेस को प्रपोज करने में 4 साल लगा दिए। दरअसल पटौदी साहब तो शर्मिला टैगोर को चाहने लगे थे, लेकिन शर्मिला ही थी जो कि मोहब्बत कबूल करने को तैयार नहीं थी। यही नहीं, बल्कि एक इंटरव्यू के दौरान इनकी बेटी सोहा अली खान ने बताया था कि शर्मिला को मनाने के लिए पहले तो नवाब पटौदी ने 7 फ्रिज भेजे, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो करीब 4 साल तक उन्होंने शर्मिला को गुलाब के फूल भेजे, तब जाकर बात बनी और वो शर्मिला के दिल में अपनी जगह बना पाए। दोनों ने उसके बाद अपना प्यार का सिलसिला शुरू किया। कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने यह फैसला किया कि वाकई में वो एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं और एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने के लिए वो तैयार हो गए। आपको बता दें कि इससे पहले मंसूर की जिंदगी में एक और लड़की भी थी जो काफी इम्पोर्टेंट थी। आपको बता दें कि ये लड़की थी सिमी ग्रेवाल। वहीं इनका प्यार एक तरफा नहीं था, क्योंकि मंसूर अली खान भी सिमी ग्रेवाल को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे। क्रिकेट मैच से लेकर पब्लिक इवेंट्स तक भी वो दोनों एक साथ नजर आते थे और वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए काफी तैयार थे। इसीलिए सिमी को अपने घर वालों से मिलने का फैसला भी कर चुके थे, पर लगता है कि उनकी किस्मत में शर्मिला टैगोर का ही साथ लिखा था, क्योंकि आखिर में जब उन्हें शर्मिला टैगोर मिली तब उन्हें एहसास हुआ कि वाकई में उनकी जिंदगी शर्मिला के साथ गुजरने के लिए ही बनी है। बताया जाता है कि इनके रिश्ते में काफी ज्यादा मुश्किलें तब आई जब उनके लिए धर्म बहुत बड़ा रुकावट साबित हुआ। दरअसल शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान दोनों के धर्म अलग अलग थे, इसलिए शादी में काफी मुश्किलें आई। परिवार वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। मंसूर नवाब खानदान से थे और शर्मिला एक्ट्रेस थी। जहां मंसूर को बॉलीवुड में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, वहीं मंसूर के घर वालों को भी बॉलीवुड पसंद नहीं था। ऊपर से उस वक्त शर्मिला ने बिकिनी में फोटोशूट करवाकर तहलका मचा दिया था। हालांकि कहा जाता है कि जब शर्मिला टैगोर ने बिकिनी में फोटोशूट करवाया था तो मंसूर अली खान ने उनका साथ दिया था और उन्हें इस फैसले के लिए सपोर्ट भी किया था, लेकिन ये बात उनके घर वालों के लिए मानना काफी मुश्किल थी। शर्मिला ने दरअसल 1966 में एक मैगजीन कवर के लिए बिकिनी में पोज किया था और उस समय उस पर बहुत तहलका मच गया था।
शायद इस विवाद का साया तब शर्मिला और मंसूर के रिश्ते पर भी पड़ा था, लेकिन शर्मिला टैगोर और पटौदी ने हार नहीं मानी और आखिरकार घरवाले उनके रिश्ते के लिए राजी हो ही गए। उन्होंने शादी करके दुनिया के सामने अपना प्यार कबूल कर लिया और इनकी शादी भी काफ़ी ज़्यादा शाही अंदाज में हुई थी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि शर्मिला और मंसूर की शादी एक शर्त की वजह से हुई थी। कहते हैं कि मंसूर पटौदी की माँ साजिदा सुल्तान ने शर्मिला टैगोर के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर वो अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने के लिए तैयार है तो उन्हें इस रिश्ते से एतराज़ नहीं है। शर्मिला तो बस मंसूर को ही अपना हमसफर बनाना चाहती थी और इसीलिए वो तैयार भी हो गई। बस फिर क्या, शर्मिला ने अपना धर्म परिवर्तन कराया और आयशा सुल्तान हो गई। तब जाकर शर्मिला और मंसूर पटौदी की शादी हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि शर्मिला ने भी अपनी ओर से मंसूर से शादी के लिए एक शर्त रख दी। उन्होंने ये कहा था कि अगर एक मैच में मंसूर पटौदी एक साथ 3 छक्के लगाएंगे तो ही वो शादी करेगी। अब जाहिर सी बात है कि ये सच है या झूठ ये तो कोई नहीं जानता। वही सिमी ग्रेवाल भी आगे जाकर अपनी जिंदगी में बिजी हो गई, लेकिन शर्मिला टैगोर और मंसूर अली पटौदी की लव स्टोरी ने यह साबित कर दिया कि अगर आप अपने पार्टनर के बीच में एक बेहतरीन दोस्ती रखते हैं तो ये दोस्ती एक ऐसे रिश्ते में बदल सकती है जो कि जिंदगी भर आपका साथ देगी। आपको बता दें कि इन सब में शर्मिला टैगोर ने बिकिनी में शूट करने का फैसला किया तो भी उनके सबसे बड़े सपोर्टर मंसूर अली खान ही थे। उन्होंने ऐसे इंटरव्यू में बताया था कि जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी और ऐसी शूट पर विवाद करने लगी थी तो वह मंसूर ही थे जो उनके साथ खड़े थे। जाहिर सी बात है कि इतनी बेहतरीन दोस्ती की वजह से ही इनका रिश्ता इतना लंबा चल सका और इनके रिश्ते ने हमें सैफ अली खान और सोहा अली खान जैसे बेहतरीन एक्टर सौगात में दिए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ कुछ होता है 2 में हमें ऐसी ही कोई लव स्टोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसी जो कहानियां होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भर देती है और जब ऐसी कहानी थिएटर में रिलीज होती है तो ऑडियंस को तो काफ़ी ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों आप बताइए कि आप कुछ कुछ होता है 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।